हमारे साथ है मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल। चहल साहब, दूसरी वेव के समय पे हमने आपसे बात की थी, तब सबसे बड़ा संकट मुंबई के सामने था ऑक्सीजन की सप्लाई का। आज की स्थिति में अभी जो आंकड़े हम देख रहे हैं वो कि मुंबई में सेकेंड वेव के समय पे जब हम पीक पर पहुंचे थे तब 11,206 केसेस थी पीक में अप्रैल महीने में। आज तीसरी वेव शुरू हुई है और 10,860 केसेस पर डे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या स्थिति है मुंबई में, क्या हम लोग पीक की तरफ बढ़ रहे हैं या पीक इससे भी ज्यादा होगा? साहिल नमस्कार, सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया आज हमारी बात रखने के लिए। देखिए, पूरे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसके दरमियान हमारी जो पॉजिटिविटी थी मुंबई की वो 1% से कम पे आ गई थी और 21 दिसंबर को हमारे पास सिर्फ 2,000 एक्टिव केसेस थे और 21 दिसंबर 2021 से लगातार, आज 16वां दिन है, डे 16 है कि लगातार पॉजिटिविटी बढ़ रही है और पॉजिटिविटी हमारी 1% से जो क्रॉस हुई 21 दिसंबर को, आज वो 22.4% पे है और जो एक्टिव केसेस है मुंबई में वो 2,000 से भी 47,000 पे हो गए, मतलब कि 45,000 केस नए आए हैं। परंतु ये यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर 45,000 केसेस आए हैं हमारे पिछले 15 दिनों में, तो इस 15 दिनों में मुंबई में सिर्फ 15 डेथ्स हुई हैं 15 दिनों में 45,000 केसेस आने के बाद, और एवरेज हमारी 1 डेथ पर डे का एवरेज आया है पिछले 15 दिन का। दूसरा, जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं उसमें से 90 से 91% एवरेज केसेस हमारे असिम्टोमेटिक आते हैं, जिनको कोई मेडिकेशन की, हॉस्पिटलाइजेशन की, कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके अलावा जो बाकी जो 9 से 10% केस आ रहे हैं उसमें से आधे केसेस हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। एक उदाहरण के लिए, परसों हमारे पास 8,000 केसेस आए और कल हमारे पास 10,860 केसेस आए। जो परसों हमारे पास 8,000 केसेस आए उसमें 570 लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिशन लिया और कल जो 10,800 केसेस आए उसमें से सिर्फ 560 लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिशन लिया। केसेस 8 से ऑलमोस्ट 11,000 हो गए, परंतु हॉस्पिटलाइजेशन 500 के करीब ही रहा। इसका मतलब यह है कि ये जो सवाल माइक्रोन का वेव है इसमें हॉस्पिटलाइजेशन और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत कम है। नहीं, लेकिन चहल साहब, जिस तरीके से हॉस्पिटलाइजेशन के आंकड़े अब बीएमसी दे रही है उस पे अगर हम नजर डालें तो आज 14% तक हॉस्पिटलाइजेशन पहुंच चुका है, यानी बेड ऑक्यूपेंसी की अगर बात करें, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बेड ऑक्यूपेंसी की बात करें तो धीरे धीरे बेड ऑक्यूपेंसी भी बढ़ती जा रही है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, आपने कही कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 22% तक पहुंच चुका है, यानी अगर 100 टेस्ट किए जा रहे हैं तो 22 लोग उसमें से पॉजिटिव निकल रहे हैं, ये काफी हाई नंबर हम कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में पिछली बार हमने देखा था कि 10% के ऊपर जाने के बाद लॉकडाउन लग जाता था, इस बार 22% जाने के बाद भी अभी तक पूरी लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। मुंबई में नाइट कर्फ्यू है, दिल्ली जैसे शहर में शनिवार रविवार को कर्फ्यू लगा दिया गया है। क्या मुंबई एडमिनिस्ट्रेशन भी इस तर्ज पर सोच रही है? क्या मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर एक बार फिर कर्ब्स लगाए जाएंगे, बंद किए जाएंगे, जिस तरीके से लोकल ट्रेन हो, बीएसटी बसेस हो या बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो? साहिल, जो दूसरी वेव आई थी मुंबई में फरवरी और मई 2021 के दरमियान, और ये जो वेव है इसमें बहुत बड़ा एक फर्क है। पिछली बार जो वेव आई थी हमारे पास करीबन 20 से 22% लोग सिम्टोमेटिक आते थे जिनको इमिडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती थी और कुछ लोग सीधे आईसीयू में और सीधे ऑक्सीजन बेड पर जाते थे, नंबर वन। नंबर टू, जो 78 से 80% लोग असिम्टोमेटिक आते थे उसमें भी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डे को और 10 से 15% लोग सिम्टोमेटिक हो जाते थे और वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाते थे तीसरे चौथे दिन, मतलब वहां की हॉस्पिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 30% 35% था। परंतु इस वे में हॉस्पिटलाइजेशन 5 से 6% है और आज जो आप 14% बता रहे हैं वो बात सही है, हमारे 14% बेड्स भरे हुए हैं, परंतु जब वेव शुरू होने से पहले ही हमारे 4 से 5% बेड्स ऑक्यूपाइड थे, क्योंकि मुंबई में आप देखिए कभी भी केसेस हमारे 200-250 से कम हुए नहीं थे और वो डेल्टा के केसेस थे जो मेजोरिटी हॉस्पिटल जा रहे थे। आज मुंबई में जो हमारे स्टेट टास्क फोर्स के एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर शशांक जोशी, डॉक्टर राहुल पंडित, डॉक्टर संजय ओक, उनका कहना है, आज जो सुबह मेरे सबसे बात हुई, आज मुंबई में 90%
90% ओमाइक्रॉन डेल्टा को रिप्लेस कर चुका है और डेल्टा अभी 10% के आसपास बचा है बंबई में, जो घातक था, जो ऑक्सीजन बेड्स तक आपको पहुंचाता था और जो हॉस्पिटलाइजेशन करता था। इसलिए आप देखिए कि 11,000 कल केसेस आने के बाद में 500 लोग हॉस्पिटल गए, परसों 8,000 केस आने के बाद 500 हॉस्पिटल गए। जैसे ही ये परसेंटेज कम होगी डेल्टा की और ओमाइक्रॉन 100% की तरफ बढ़ेगा तो हॉस्पिटलाइजेशन और कम हो जाएगी, ऐसा स्टेट टास्क फोर्स का हमें एडवाइस दिया गया है। आपका ये कहना है कि ओमाइक्रॉन की जो लहर है वो इतनी खतरनाक नहीं है जिस तरीके से दूसरी वेव जो डेल्टा की थी वो खतरनाक थी, उतनी खतरनाक ओमाइक्रॉन की वेव नहीं है, ये आपका कहना है। लेकिन इस पर एक सवाल ये उठता है, हाल ही में हमने देखा कि महाराष्ट्र के जो हेल्थ सेक्रेटरी है, मुझे वो सवाल पूरा करने दीजिए, उन्होंने खत लिखा था, उनका ये कहना था कि ओमाइक्रॉन में नंबर्स बहुत बढ़ जाते हैं, यानी अगर 80 लाख केसेस में 1% भी अगर फेटेलिटी उसमें हो जाती है तब भी करीब करीब 80 लाख में 80,000 लोग उसमें मारे जाएंगे। ये नंबर अगर हम देखें, शेयर नंबर देखें, क्योंकि मैंने आपके सामने नंबर रखे थे कि दूसरी वेव में मुंबई में पीक हुआ था तब 11,000 केसेस हुई थी, आज पीक होने के पहले ही 10,000 केसेस मुंबई में निकल रही है। तो अगर सिर्फ नंबर पे भी हम लोग ध्यान दें तो क्या आपको लगता है कि खतरनाक नहीं होने के बावजूद भी लॉकडाउन की स्थिति मुंबई में हो पाएगी क्या? साहिल, ये खतरनाक शब्द थोड़ा सा गलत हो रहा है। क्या है कि मैं यार स्पष्ट करना चाहता हूं कि हालांकि पैनिक सिचुएशन नहीं है, परंतु हमें बड़ा ही विजिलेंट रहना है, हमें बहुत ही कॉशियस रहना है और हमें अपना गार्ड लोअर नहीं करना, इसमें भी इश्यू निर्माण हो सकता है। आप देखिए, अगर आप इंग्लैंड और यूएसए की कंपैरिजन करें पिछले 15 दिनों की, तो आज यूएसए में जो डेथ रेट है वो इंग्लैंड का 10% हायर है, 10 गुना हायर है। आज यूएसए में डेथ रेट 1.0% है, इंग्लैंड में 0.1% है। ये 10 गुना यूएसए में डेथ रेट ज्यादा क्यों है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि इंग्लैंड में बूस्टर्स भी लग चुके हैं और वैक्सीनेशन अच्छा हुआ है। यूएसए में अभी भी काफी लोग हैं जिन्होंने जो अनवैक्सीनेटेड हैं। और इसी तरह से आप अगर बंबई की और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र की आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो बंबई में वैक्सीनेशन बहुत हाई हुआ है। हमारा फर्स्ट जो डोज है वो 108% हुआ है फ्लोटिंग पॉपुलेशन को इंक्लूड करके, और सेकेंड डोज भी हमारा 90% पे ऑलरेडी पहुंचने वाला है। और अगर बाकी महाराष्ट्र की पोजिशन देखें, वहां पे वैक्सीनेशन इतना हाई नहीं है जितना बंबई में है, तो ओमाइक्रॉन का जो कहर है वो बंबई में कम इसलिए है कि हमारा वैक्सीनेशन बहुत हाई है, परंतु ये पिक्चर हर जगह ये कहना मुश्किल है। इसलिए हम अपनी जगह पे सही हैं और व्यास सब अपनी जगह पे सही हैं। ठीक है, एक सवाल पूछना लाजमी है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि मुंबई के आने वाले रास्ते जो है वो आपने एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से बंद करके रखे हुए थे। आज भी हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स आएंगे उनके लिए आरटीपीसीआर कंपलसरी किया हुआ है। आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो कॉर्डिलिया क्रूज आई हुई है उसमें आपने बोला हुआ है कि सारे के सारे पैसेंजर जो है उनको आपको उनका टेस्ट किया जाएगा। क्या वक्त आ गया है कि ये कर्व्स और बढ़ाने का, इंटरनेशनल पैसेंजर्स से हमारे पास ओमाइक्रॉन की लहर आई, इससे पहले भी जब भी कोविड की लहर आई थी मुंबई शहर सबसे पहले उससे अफेक्ट हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल पैसेंजर्स मुंबई में काफी संख्या में आते हैं। क्या कॉर्डिलिया क्रूज जैसी चीजें हो या इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो उस पर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत आई आपको लगता है? क्या उसके बारे में बीएमसी कुछ सोच रही है, क्या उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा इसके आगे? नहीं साहिल, हम जो केंद्र सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनकी जो गाइडलाइंस रहती हैं, जो डायरेक्शन रहते हैं, उनको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं फ्रॉम द डे वन, फर्स्ट वेव में भी, सेकंड वेव में भी, आज भी। जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्शन आते हैं हम आंख बंद करके उसको पूरी तरह से उसका पालन करते हैं। और अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन है कि जो रिस्क कंट्री से पैसेंजर्स आ रहे हैं, एक भी पैसेंजर बिना आरटीपीसीआर के उनको छोड़ना नहीं है, जब तक की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती है वो एयरपोर्ट छोड़ नहीं सकता, और वो हम फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा जो नॉन रिस्क कंट्रीज हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस हैं कि 5% तक उनकी आप रैंडम टेस्टिंग करिए, वो हम कर रहे हैं और वो हमारा प्रोटोकॉल चालू रहेगा। और उसी तरह से जैसे कॉर्डिलिया शिप है, 1,850 लोग कल शाम को हमारे पास आए, हमने सबका आरटीपीसीआर किया है, एक को भी हमने बिना आरटीपीसीआर के हम छोड़ नहीं रहे हैं। उसमें जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको हम 3 चॉइसेस दे रहे हैं कि शिप के अंदर क्वारंटाइन हो सकते हैं नेगेटिव होने तक, या उनको अगर फ्री में रहना है तो हम उनको हमारा कोविड केयर सेंटर जा सकते हैं, और अगर उनको वहां दोनों पसंद नहीं है तो हमने 10 होटल्स चूज किए हैं और ये होटल्स को हमने असिम्टोमेटिक पॉजिटिव होटल डिक्लेयर कर दिया है, वहां मेडिकल स्टाफ लगा दिया है, डॉक्टर्स लगा दिए हैं, अच्छे
थ्री स्टार, फोर स्टार, फाइव स्टार होटल्स हैं, वहां लोग पेमेंट करके रह सकते हैं, लोगों को मल्टीपल चॉइसेस दिए हैं, परंतु जो प्रोटोकॉल रजीम है कि आरटीपीसीआर करना, जो पॉजिटिव आ रहा है भले वो ओमिक्रॉन है डेल्टा है, उसको हम जब तक नेगेटिव नहीं होएगा वो हमारे कब्जे में रहेगा। क्या क्या कॉर्डिलिया क्रूज को इसके आगे परमिशन दी जाएगी, क्योंकि इस बार कॉर्डिलिया क्रूज गई, गोवा गवर्नमेंट ने उनको वहां पर लोगों को उतारने नहीं दिया, कलेक्टर ने कहा कि लोग वहां पर उतर नहीं सकते, उनको वापस सारे पैसेंजर्स को लेकर मुंबई आना पड़ा, जो लोग गोवा में रहते थे उनको भी मुंबई लाना पड़ा। क्या ऐसे शिप्स पर, इस तरीके की जो क्रूज चल रही है, क्या उस पर पाबंदी लगाने के बारे में बीएमसी सोच रही है, क्योंकि आप सारे 2000 लोगों को आपको यहां पर अकोमोडेट करना पड़ेगा, उसमें से कितने पॉजिटिव आए अगर आपके पास आंकड़ा है तो आप अगर आप बता सके तो। साहिल, उनमें से जो 60 लोग पहले पॉजिटिव थे उनको तो हमने ऑलरेडी सेपरेट कर दिया था, उसके अलावा कल शाम को 8 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक रात भर उनका टेस्टिंग चलता रहा और उनके रिजल्ट्स अभी दोपहर को 2:30 बजे तक आने वाले हैं, वो आपने मैं शेयर करूंगा। परंतु ये जो कार्रवाई है कॉर्डिया पे, ये जो डायरेक्टर जनरल शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, शिपिंग अथॉरिटीज हैं, बोट ट्रस्ट है, उनको इसके ऊपर में विचार करना है। हमारा काम है टेस्टिंग करना और इस कोविड को कंट्रोल करना, जो हमारा मेन फोकस है, और उसके हिसाब से जो भी गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, हमने जो अपना होम क्वारंटाइन सिस्टम बनाया है, हम क्लेम करते हैं कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हम क्या करते हैं कि हमारे पास 24 घंटों में टोटल 43 फ्लाइट्स आती हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, जिसमें 7000 के आसपास पैसेंजर्स आते हैं। सुबह 9 बजे हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एयर सुविधा पोर्टल को टैप करता है, वो 7000 नाम ऑनलाइन निकालता है और उसके जुप कोड के हिसाब से 9:01 पे हमारे 24 वार्ड वॉर रूम में 240 डैशबोर्डों पे नाम चले जाते हैं सारे पैसेंजर्स के, उनका पासपोर्ट नंबर, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर, और 10 बजे हम उनको फोन करना शुरू करते हैं और उनको 4 इंस्ट्रक्शन देते हैं। नंबर 1 कि हम उनको डेली, ये हजारों लोगों को 5 दिन में 5 बार फोन जाएगा हमारा डॉक्टर्स का वार्ड वॉर रूम से, और वीडियो कॉल जाएंगे, उनको शो करना है घर पे हैं बाहर नहीं है।